सरदार पटेल 10वीं कक्षा का एक औसत छात्र जो आगे चलकर बना अखंड भारत का निर्माता। भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हो लेकिन भारत को अखंड भारत बनाने का श्रेय वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है, जिन्हें लोगों ने सरदार और महात्मा गांधी ने लौह पुरुष की उपाधि दी थी। आज सरदार पटेल की जन्म जयंती है, जिसे देश अब राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाता है। 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियावाड़ में झवेर भाई और लाडबा के घर जन्मे वल्लभ भाई पटेल ने पेटलावास से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की, लेकिन किसे पता था कि 10वीं कक्षा का एक औसत छात्र आगे चलकर देश की अखंडता का निर्माता कहलाएगा। 10वीं के बाद पटेल ने पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया और विदेश में कानून की पढ़ाई की तैयारी के लिए अपने परिवार से दूर रहे। 1910 में वो पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए और लॉ का कोर्स उन्होंने आधे वक्त में ही पूरा कर लिया। इसके लिए उन्हें पुरस्कार भी मिला। इसके बाद 1913 में पटेल भारत लौट आए और उन्होंने गुजरात के गोधरा में वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर दी। 1913 से 1917 तक तो पटेल का जीवन एक साधारण से व्यक्ति की तरह ही गुजरा, लेकिन 1917 के बाद से उनका राजनीतिक जीवन शुरू हो गया। पटेल से सरदार पटेल बनने तक का सफर। 1917 में पटेल ने अहमदाबाद के स्वच्छता आयुक्त के पद का चुनाव जीता। जल्द ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के गुजरात चैप्टर के सचिव बन गए। 1922, 1924 और 1927 में पटेल को अहमदाबाद के नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इसके बाद 1928 में बारडोली के लोगों ने उन्हें सरदार यानी लीडर की उपाधि से सम्मानित किया। 1930 में दांडी मार्च के दौरान पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया था। जेल से रिहा होने के बाद पटेल को कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद 1932 में लंदन में गोलमेज सम्मेलन के विफल होने के बाद गांधी और पटेल को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में रखा गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटेल ने लोगों से टैक्स का भुगतान ना करने और सरकारी सेवा में ना शामिल होने का आग्रह करके अभियान के लिए समर्थन मांगा। इसके बाद उन्हें 1945 तक गुजरात के अहमदनगर किले में कैद करके रखा गया था। अपने कौशल और अनुभव से बनाया अखंड भारत। भारत की आजादी के बाद वल्लभ भाई पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। उस समय पटेल को 562 रियासतों को भारत में विलय करने का काम सौंपा गया। उन्होंने 6 अगस्त 1947 को एकीकरण की प्रक्रिया शुरू की और अपनी राजनीतिक परिपक्वता, कौशल और अनुभव के दम पर इसमें सफलता पाई। इस दौरान जम्मू और कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद जैसे राज्य शुरू में भारत में विलय करने से संकोच कर रहे थे, लेकिन पटेल के प्रयासों ने सभी रुकावटों पर काबू पा लिया। सरदार पटेल को अखिल ऑल इंडिया ब्यूरोक्रेटिक सर्विस बनाने का श्रेय भी दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने देखा कि भारत के विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए व्यवस्थित ब्यूरोक्रेसी की जरूरत है। सरदार पटेल के सम्मान में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी एक स्मारक है। ये 2018 में पूरा हुआ और गुजरात में नर्मदा बांध के सामने स्थित है। 597 फीट की ऊंचाई वाली ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। साल 2014 में केंद्र सरकार ने सरदार पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में घोषित किया, जिसमें पटेल की भूमिका को आधुनिक भारत के एकीकरणकर्ता के रूप में मान्यता दी गई।